ऑटो इंडस्ट्री डीजल वाहनों पर रोक के खिलाफ है। एनर्जी ट्रांजिशन पर रिपोर्ट को लेकर ऑटो कंपनियां जल्द पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों से मिलने वाली हैं। इस खबर पर और डिटेल्स जानते हैं सुमित चतुर्वेदी से। तो ये प्रपोजल है ऑयल मिनिस्ट्री का, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का, और इसके बाद जो ऑटो उत्पादक हैं वो इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़ से लग रहे हैं कि ये प्रपोजल इनके खिलाफ क्यों आया है। इसको लेकर वो ऑयल मिनिस्ट्री से मिलने की भी का भी प्लानिंग कर रहे हैं। वो मानते हैं कि इससे काफ़ी नुकसान होगा पूरी अर्थव्यवस्था को, जिसका 50% हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग का ऑटो क्षेत्र से आता है। ये प्रपोजल इस तरह है कि एक कमेटी बनी थी ऑयल मिनिस्ट्री की, जिसने कहा कि जितनी भी डीजल गाड़ियां हैं वो 2027 तक बैन हों उन शहरों में जहां जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है, और साथ में ही टू व्हीलर्स जो दुपहिया वाहन हैं वो भी बैन हो, और ये होना चाहिए 2035 तक। इससे काफ़ी कंपनियों को नुकसान होगा, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, टीवीएस मोटर, हीरो मोटो और बजाज ऑटो को। सो कंपनियां इस बात को लेकर काफ़ी नाराज हैं और निराश हैं कि ऐसा प्रपोजल क्यों बनाया जा रहा है, जिसके लिए वो अब अपना एक पूरा रिकमेंडेशन करने वाली हैं मिनिस्ट्री को और बताने वाली हैं कि इससे कैसे उन्हें नुकसान होगा। सो ये नया डेवलपमेंट है, इससे बहुत बड़ी ये बात हो जाएगी कि डीजल गाड़ियाँ पूरी तरह से बैन करना सरकार के लिए मुसीबत बन जाएगा, क्योंकि कंपनियाँ टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, ये डीजल पे काफ़ी निर्भर हैं। इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है भाड़े का, वो भी डीजल पर निर्भर है, और इनको सबको बैन करना बहुत ही इन सब कंपनियों के लिए खतरनाक हो सकता है। चलिए